देखो जब 2014 के बाद में जब से मोदी जी आए तब से देश की स्थिति क्या बिगड़ती गई है। क्योंकि गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम कराए हैं। ये अगर कर्नाटक सरकार तत्पर रही तो भविष्य में कांग्रेस सरकार ही आएगी। तो नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कांग्रेस को कर्नाटक में साफ बहुमत मिल चुका है, तो इसके बाद में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि अब कर्नाटक की तरह ही वो राजस्थान में भी जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी ही। लेकिन अभी जो राजस्थान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस में है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सचिन पायलट अपनी जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे हम जानने का आज ये प्रयास करेंगे कि जनता के मन में चुनावों को लेकर और जो कांग्रेस की स्थिति बढ़ रही है उसको लेकर, और इसके अलावा उनसे सवाल करेंगे क्या वाकई में बीजेपी की स्थिति है वो कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? काम से गरीबों के हित के अंदर काम करती है कांग्रेस। राज में सब कुछ सही है। अच्छा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मैम, सही है। कुछ नहीं, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लोगों के सबके अपने अलग अलग विचार हैं और ज्यादातर युवा हैं वो सचिन पायलट के सीधा समर्थन करते हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि देखो जब 2014 के बाद में जब से मोदी जी आए तब से देश की स्थिति क्या बिगड़ती गई है। नफरत भी देख लो और जो फ्रीडम, जो अपनी न्यूज का फ्रीडम है उसमें भी हमारा देश साउथ कोरिया से भी पिछड़ गया है। और जब से मोदी जी आए ना, मॉब लिंचिंग देख लो, बेरोजगारी है, जो इन्होंने वादे करे थे कि गैस सिलेंडर है, उस टाइम पे तो स्मृति ईरानी जी 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, उस टाइम पे इनको महंगा लग रहा था, तो अभी देख लो 1100 का पहुंच गया सिलेंडर, लेकिन तब भी महंगा नहीं लग रहा। जो नफरत है इस टाइम पे जो फैल रही है उसमें कर्नाटक की जनता ने उसका जवाब दिया है। तो आप राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी, 150+ सीटें कांग्रेस जीतेगी। 150+ सीटें तो कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा होगा, सचिन पायलट या फिर गहलोत ही होगा यहाँ पे? गहलोत जी, गहलोत। आपका क्या कहना है राजस्थान के चुनाव? क्या चीज के मामले? अभी राजस्थान में जो चल रहा है, कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस की, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस ही आएगी? क्यों? क्योंकि गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम कराए हैं और पब्लिक के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। पब्लिक की वो जो गवर्नमेंट केंद्र द्वारा जो वो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको हमारे लिए, जैसे अभी अभी गहलोत जी ने वो बिजली के बिल माफ़ कर दिए, तो आपको मिल गया? हाँ, आ गया हमारे पास। तो अब आपको जो कर्नाटक में जीत हो गई है तो लगातार ये कह जाए कि मोदी लहर है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, आप इस बात को? धीरे खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, महंगाई में खत्म हो रही है, महंगाई में इनका यही कहना है कि बीजेपी में जो मोदी की लहर थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपको क्या कहना है चुनावों को लेकर जो अभी चल रहा है? कर्नाटक में तो जीत गई कांग्रेस, क्या एक बार फिर से राजस्थान में जीत पाएगी? जीत जाएगी। क्यों? क्यों का मतलब वोट डालेंगे देखे ज्यादा होंगे तो जीतेगा, और क्या है? तो आप कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को, हमको दोनों ही पार्टी के, कांग्रेस की भी है और बीजेपी, तो आधे आधे वोट करते हैं, आधे बीजेपी को आधे कांग्रेस को। क्यों? अब आधे हमारे दे देते हैं वोट, हमारे मतलब समाज के थे, आधे बीजेपी में दे देते हैं, आधे कांग्रेस में दे। अच्छा, दोनों साइड से फायदा लेते हैं, कोई भी जीते? अब कोई चीज, अपन तो मजदूर आदमी, हमने तो मजदूर तो मतलब कुछ मिलता नहीं है? कुछ नहीं मिला, योजना सरकार से कुछ चाहते नहीं है? आए मिला ही नहीं, आज तक ही नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उन सबकी अपनी एक अलग ही राय है और लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ का यही कहना है कि एक बार फिर से जो राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, तो कुछ का यही कहना है कि बीजेपी सत्ता में आएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी में आए हम तो शुरू से बीजेपी में, शुरू से बीजेपी में है, तो अभी जो चल रहा है बीजेपी पर महंगाई के लेकर है निशाना साधा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, तो फिर क्या चाहते हैं? सस्ताई हो, थोड़ी सस्ताई हो, मांग कर ली है। हाँ ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना? क्यों? ऐसे ही कुछ नहीं कहना। तो कुछ तो होगा ना, वोट तो आप डालते होंगे ना? बीजेपी को डालते ना वोट? बीजेपी को डालते हैं। क्यों क्यों डालते हैं? मतलब पता नहीं है, कुछ ऐसे वोट डालते हैं तो हम इसलिए चुनते हैं कोई भी नेता कि हमारी कोई इच्छा होती है कि भाई ये हमें नेता सपोर्ट करेगा, ये हमारी मांगों को उठाएगा तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मत समझेंगे आप? वोट ऐसे डालते हैं, कोई भी नेता आया और जिसने बोला उसको वोट डालते हैं? बीजेपी को डालते हैं। बीजेपी कोई रीजन नहीं है? रीजन तो ये है कि तो का बेनिफिट मिल जाता है, और क्या? तो बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे कोई महंगा मतलब जो भी होता है, थोड़ा बहुत कोई नेता काम कर देता होगा,
थोड़ा बहुत करता है। देखो कर्नाटक में जैसे कांग्रेस सरकार आई है, जैसे राजस्थान सरकार जैसे काम कर रही है, अगर उस काम के लिए अगर कर्नाटक सरकार तत्पर रही तो भविष्य में कांग्रेस सरकार ही आएगी। जी मैडम, तो अब राजस्थान में को लेकर क्या लगता है? राजस्थान में उत्साह का माहौल चल रहा है, जैसे महंगाई कैंप जैसे चल रहे हैं तो लोगों में उत्साह है कि जैसे सिलेंडर 500 रुपये आ रहा है तो लोगों की जेब में 2 रुपये बचने लगे। तो सचिन पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं करप्शन का पेपर लीक का, उस पर क्या कहेंगे? वो उनकी जगह ठीक है। तो क्या लगता है कि क्योंकि ऐसे बात सामने आ रही है कि वो सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और उनके जो जनसंघर्ष यात्रा है वो अपने दम पर ही कर रहे हैं। देखो जनता की सेवा करने वाला ही हमेशा नीचे गिरा है, ये बात। तो पायलट को लेकर क्या लगता है, क्या वही चेहरा होने चाहिए कांग्रेस की तरफ से या फिर गहलोत? पायलट साहब अभी कांग्रेस में ही हैं, कोई अलग कोई पार्टी बनाई नहीं है अभी कांग्रेस में। बिल्कुल, अभी चुनावों में बड़ा लंबा समय है राजस्थान के चुनाव में, तो कितने क्या समीकरण बदलते हैं क्योंकि अभी 6 महीने से ज़्यादा का लगभग समय बचा है। कोशिशें पूरी हैं और कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं और सभी नेता भी कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट तो जनसंघर्ष यात्रा तक निकाल रहे हैं और उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसका असर राजस्थान पर क्या पड़ेगा और जो कर्नाटक में जो जीत कांग्रेस ने हासिल की है क्या उसका सीधा असर राजस्थान के चुनाव पर ही पड़ेगा। क्या कांग्रेस की छवि है वो राजस्थान में अब एक बार फिर से कर्नाटक में जीत की वजह से सुधरेगी, या फिर जो कांग्रेस और गहलोत के बीच में जो चल रहा है और इसके अलावा जो सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में जो चल रहा है उस लड़ाई की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ और कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।